नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस यूपी और मैं हूं आपके साथ यास्मीन शेख। काशी विश्वनाथ के दरबार में मुस्लिम समाज के लोगों ने लगाई हाजिरी और कह दी इतनी बड़ी बात कि सुनने वाले के कान खड़े हो गए। मामला विस्तार से बताते हैं। दरअसल बाबा विश्वनाथ के दरबार में बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोगों ने दर्शन किए। इस दौरान हर हर महादेव का जयकारा भी लगाया। ये कहना गलत नहीं होगा कि ज्ञानवापी को लेकर कोर्ट में भले ही मुकदमा चल रहा हो, लेकिन हाल ही में बाबा विश्वनाथ के दरबार में हिंदू मुस्लिम एकता की अद्भुत मिसाल देखने को मिली। बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोग राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के बैनर तले दर्शन करने के लिए पहुंचे। लगभग 350 से ज्यादा के ग्रुप में मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोगों ने हर हर महादेव का उद्घोष किया। इसमें सोनभद्र, मिर्जापुर, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर समेत कई अलग अलग जगहों से आए लोग शामिल थे। दर्शन पूजन के बाद बाहर निकले मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के सेवा प्रमुख रईस अहमद ने कहा कि सत्यम शिवम सुंदरम सनातनी मुसलमानों की सोच है। हम भारतीय सनातनी मुस्लिम हैं। हम सभी अपने बाबा, अपने पूर्वज के दर्शन करने आए हैं। राजा रईस ने कहा कि कुरान शरीफ में कहा गया है कि 1,24,000 नबी इस दुनिया में आए थे, उनमें राम, शिव और कृष्ण भी हैं। इस तरीके से जो हमारे नबी हैं उनको हम लोग पूर्वज के रूप में मानकर दर्शन करने आए हैं। राष्ट्रीय मंच की सत्यम शिवम सुंदरम सनातनी मुसलमान भाई अपने बाबा अपने पूर्वज के दर्शन करने आए, इसलिए जो मुस्लिम नबी आए 24-26 नबी आए, लेकिन कुरान सही ने खुद स्वयं में कहा कि 1,24,000 नबी इस दुनिया में तशरीफ लाए हैं, तो उसमें से राम भी है, उसमें से शिव भी है, उसमें से जो है कृष्ण भी है। इस तरीके से जो हमारे नबी हैं उनके हम लोग पूर्वज के अपने दर्शन करने, अपने बाबा के दर्शन करने आए, क्योंकि जो हमारे पूर्वज थे और वर्तमान की जो हमारे बहुसंख्यक समाज के लोग थे वो हमारे भाई हैं, हमारे बाबा दादा एक थे, आज एक है। लखनऊ से आई हुई टीम का स्वागत किया और यहाँ पर बड़े संख्या में मुस्लिम महिलाएं और मुस्लिम भाइयों ने भी दर्शन किया, तो ये एकता का संदेश है भाईचारे। हेलो, रईस अहमद ने आगे कहा कि सनातनियों की तीन मांगे थी, अयोध्या, काशी, मथुरा मांगी गई, लेकिन नहीं दी। ये चीज सही नहीं है। और कहा कि हमने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए और गंगोत्री के गंगा जल से जलाभिषेक भी किया, तहखाने में भी दर्शन किए, अंदर नहीं गए क्योंकि मामला कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन हमने झांकी के भी दर्शन किए। और आगे कहा कि हम मुस्लिम भाइयों को भी समझाएंगे, 25 किलोमीटर प्रतिदिन पैदल पदयात्रा करेंगे, हम अयोध्या भी गए। आगे ये संदेश देना चाहते हैं कि ज्ञानवापी सनातनियों को दे दी जाए और इस पर विवाद खत्म हो। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी।